एक और नया अलंकार। अब जो मैं आपको अलंकार बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको रियाज करने के लिए, लेकिन अगर इसे स्लो स्लो आप अगर आप बांट लें, डिवाइड कर लें और समझ लें इसको इजीली, जो जिसको हम कहते हैं कि डिवीजन कर दें, तो आप आराम से इसका रियाज कर सकते हैं और उसके बाद आपके गले में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आप पाएंगे। जो खटके हैं, जो मुर्कियाँ हैं, जो हरकतें हैं, जो दानेदार ताने हैं, वो आप कर सकेंगे। लेकिन वही है, हर बार मैंने ये चीज़ कही और इस बार भी यही कहूँगा कि रियाज जो है उसका फ़र्क होता है, अलंकार में कोई ख़ास बात नहीं होती है। अलंकार आप कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन उसको किस तरीके से गा रहे हैं उसमें असर है, उसका फ़र्क है। तो आइए आज हम जानते हैं कौन सा अलंकार हम सीखने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए और आपको मालूम चलेगा। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर। रागें सीखनी हो, पियानो गुरु का इस्तेमाल करना हो, स्वयं रियाज करना हो, थाटों का रियाज करना हो, अलंकारों का, पलटों का, हर प्रकार का रियाज इसमें अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कोमल गंधार। हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें, हाल ऐसा नहीं कि तुम से कहें एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें, हाल ऐसा नहीं, हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। महबूब खिजां साहब की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी अभी आपने मेरी ही आवाज़ में सुनी। भवन खोखावत जी संगत कर रहे थे तबले पर, छोटी सी उसकी एक झलक थी। ग़ुलाम अली ख़ान साहब की गाई हुई, उनकी कंपोज़ की हुई बहुत ही मेलोडियस गज़ल है। आपने कंपोजिशन सुनी होगी, कितनी बखूब उन्होंने बनाई है। आप इसकी ओरिजिनल उनसे सुनिएगा तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यूट्यूब पे ज़रूर ये अवेलेबल है, आई गेस शम एल्बम है उसमें ये गज़ल आपको मिलेगी। तो आइए हम उस अलंकार पर बात करते हैं, लेकिन बार बार वही सारी चीज़ें मुझे रिपीट करना वैसे तो ठीक नहीं लग रहा है कि मैं हर बार मुझे वही बताना पड़ता है कि अलंकारों को रियाज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इसीलिए आज मैं उसका शॉर्टर वर्जन दे दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही बातें बार बार बोलता ही रहता हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है, बांट का ख्याल रखना है और उस अनुसार रियाज करना है। ये एक छोटी सी चीज़ है और कुछ नहीं है ना। अब जैसे आज का जो अलंकार है वो कैसा जाता है, अलंकार एक नहीं है, ये पूरा विस्तार वाला अलंकार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक कोई सिंगल अलंकार के लिए पूरा वीडियो तो बनाने से रहा है ना, इसीलिए मैं ऐसा अलंकार चुनता हूँ जिसका विस्तार किया जा सके। ठीक है, तो कैसा जाता है, सारे ग सा ग रे, रे ग म, रे म ग, ग म प, ग प म, म प ध, म ध प, प ध नि, प नि ध, ध नि सा, ध सा नि, नि सा रे, नि रे सा। ऋषभ तक ये ऊपर गया है। अब ये सा नि ध, सा ध नि, नि ध प, नि प ध, ध प म, ध म प, प म ग, प ग म, म ग रे, म रे ग, ग रे सा, ग सा रे, रे सा नि, रे नि सा। ये मैंने रुक रुक के गाया है अभी आपको समझाने के लिए, वरना इसे रुक के नहीं गाना है। गाना इसे कैसे है, सा रे ग सा ग रे, रे ग म रे म ग ग म प ग प म, म प ध म ध प, प ध नि प नि ध, ध नि सा ध सा नि, नि सा रे, नि रे सा। ये टंग ट्विस्टर टाइप कुछ है, तो इससे आपकी जबान भी साफ हो जाएगी और इसे आकार में करोगे तो गला बांट का ख्याल रखना है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये बांट नजर आनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर अगला किसे जा रहा है, सा रे ग म सा म ग रे, सा रे ग म, ये पहला पार्ट। दूसरा सा म ग रे, फिर रे ग म प, रे प म ग, ग म प ध, ग ध प म, ये जो जंप है ना, सा म ग रे, रे प म ग, ये जो जंप है ये आपको बेनिफिट देगा। एक सुर से डायरेक्ट दूसरा सुर लगाने में आपको स्वर का पक्केपन का रियाज होगा। पहले इसे आराम से कम गति में रियाज कीजिएगा, फिर आप बढ़ा लीजिएगा। अलग अलग थाटों में कर सकते हो, अलग अलग स्केल से कर सकते हो। मैं अभी आपको पहली सफ़ेद से बिलावल थाट में बेसिक एकदम स्टैंडर्ड करके बता रहा हूँ। फिर कैसे जाता है, सा रे ग म प सा प म ग रे, जैसे जा रहे हैं वैसे ही उल्टा आना है, सा रे ग म प सा प म ग रे।
जाने को तो सारे गामा बाबा मा घरे सा, ये भी आ सकते हैं, पर वो मैं ऑलरेडी अलंकार एक बता चुका हूँ। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, सारे गामा पा सापा। ये सापा से क्या होगा, ये ऐड करने का मेरा मकसद ये था कि ये जंप जो है वो आपको मिलेगा, और जब वो जंप मिलेगा तो उसका रियाज अच्छा होगा। सारे गामा पा सापा मा घरे रे गामा पा दा रे धा पा मा गा गामा पा दा नी गनी दा पा मा गनी। और ये जो जंप जो मिल रहे हैं ना, ये भी बड़ी ही विकट संगतियाँ मिल रही हैं आपको। ऐसा नहीं कि साप मिल रहा है ना, या रेमो मिल रहा है जो कॉर्ड जिनसे बन जाए, है ना, जो लगाने में आसानी हो, ऐसा नहीं। सारे गा मा बा सा पा मा गा रे रे गा मा बा धा रे धा, कोई इसका वो क्या बोलते हैं, स्वर संवाद नहीं है, लेकिन इसका रियाज करोगे तो बड़ा गले में अच्छी बात आएगी। ग म पा ध नी ग नी म ब ध नी सा म सा म सा म ब ध नी सा म सा, ये जो जंप है बेसिकली इसका रियाज है। फिर आगे कैसे जा रहा है, सारे गा मा पा धा सा धा पा मा गा रे रे गा मा पा धा नी रे नी धा पा मा गा गा मा पा धा नी सा गा सा ने धा पा मा मा पा धा नी सा रे। अब धीरे धीरे ये जैसे जैसे इसका विस्तार करोगे आगे आगे और नीचे नीचे सब तक भी बढ़ेगा, तो उतना ही करना जितने की आपकी वोकल रेंज है, सब तक की रेंज है ना। तो बस यही एक अलंकार है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल ही जाएगा, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ ही रहा था। स्वरांगिनी हमारी जो किताब है वो अगर आप ख़रीदते हैं तो उसकी PDF में भी ये सब अवेलेबल हैं ही सारे अलंकार। तो इन्हें रियाज करने का तरीका है उसका ख्याल रखिए, अलंकार तो आप खुद बना सकते हैं। मैं आपको यही तालीम देता हूँ, यही आपको एक सलाह देता हूँ, नसीहत देता हूँ कि आपको अगर अलंकार सीखने हैं तो रटिए मत, उनके पैटर्न को समझिए और फिर खुद क्रिएट कीजिए। और सीधी सी बात है, संगीत स्वयंभू है। जब आप रियाज करने बैठते हैं, जब इन अलंकारों को गाते हैं, और गाते 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 एक ऐसी स्टेज आती है कि अंदर से फूटने लगता है, कुछ ना कुछ बनने लगता है, ये उपज आ जाती है। और ये अलंकार भी मैंने कहीं सीखे नहीं हैं, ये वैसे ही बने हैं। जाहिर सी बात है, रियाज करना पड़ेगा। रियाज करोगे तब अपने आप अलंकार बनेंगे। तो क्रिएटिविटी पे फोकस करो और नया कुछ बनाते रहो। बस ऐसे ही देखते रहो संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।